ऑन जॉब का ये मतलब है कि अगर कोई बंदा जॉब पे है वो साथ ड्यूटी कर रहा है साथ लर्न कर रहा है इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं अगर किसी बंदे को ट्रेनिंग पे भेजा जाए पहले वो लर्न करे सीखे दो तीन माह छः माह नौ माह दस माह या वन ईयर फिर उसको जॉब पे उठाया जाए इसको ऑफ जॉब ट्रेनिंग कहते हैं कुछ जगहों पर दोनों का ब्लेंड यूज़ होता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है और ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है तो यहाँ पर आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के ट्रेनिंग मेड्यूल्स हैं और तो इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है ट्रेनिंग के बगैर इम्प्लाई को वर्कर को जॉब पे खड़ा करना बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद नहीं है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स अगर आप चाहते हैं कि जो वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए तो इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है ब्लू कॉलर सुपरवाइजर आपको मालूम है ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं बिजनेस में जो बंदा टेक्निकल काम कर रहा है फर्स्ट लेवल पे जॉब कर रहा है मैनुअली काम कर रहा है जिसमें टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसको ब्लू कॉलर जॉब वर्कर हम बोलते हैं और जो लोग ज़्यादा ऑफिशियल जॉब कह रहे हैं सुपरवाइजर की जॉब कह रहे हैं सी लेवल पर जॉब कह रहे हैं उनको वाइट कॉलर वर्कर बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बेसिकली इनकी ट्रेनिंग इनकी फील्ड के मुताबिक होगी और इनकी ड्यूटी है कि वो लोग जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अटैच हैं फिर उन सब को ट्रेन करना ये जो मास्टर ट्रेनर हैं इनकी ड्यूटी होगी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट असैंपलर वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को असेंबल करते हैं उनको भी ट्रेन करना है अगर आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके रिज़ल्ट सही तरीके से अचीव नहीं होंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन अगर आप गौर से देखें इस स्लाइड को तो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं सबसे ऊपर हमने काम शुरू किया था इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से फिर हम नीचे आए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक असेंबलर पे फिर हम नीचे आए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस पे टेक्नीशियन ये फर्स्ट हैंड वाले लोग हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेंगे इन लोगों को एस ओ पी बताना है ट्रेन करना है ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग देनी है और प्रॉपर वे में इनको गाइड करना है एस ओ पी से फैमिली करना है आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स इनको गाइड करने हैं बताने हैं ऐसा ना हो कि टॉप मैनेजमेंट बैठ के डिसीजन कर ले और ये लोग जिन्होंने जैन काम करना है वो उस मीटिंग का हिस्सा ही ना हो कोई मसला नहीं अगर वो मीटिंग का हिस्सा नहीं है तो जो लोग मीटिंग अटेंड करेंगे फिर उनकी ड्यूटी है कि वो एज अ मास्टर ट्रेनर बाकी सब आर्डिनेट्स को गाइड करें इलेक्ट्रीशियंस इलेक्ट्रीशियन ये ज़्यादातर काम इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिशियंस को भी वेल ट्रेन करना ऑर्गेनाइजेशन की सुपरवाइजर की ड्यूटी है इंडस्ट्रियल मशीन ऑपरेटर्स जो मशीन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं जो फर्स्ट हैंड वाले लोग हैं जो रियल टाइम वर्कर हैं इनको उन तमाम एस ओ पी से फेमिलियर करना गाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के सबॉर्डिनेट्स की वर्किंग को सुपरवाइजर ने जो मैनेज करना है सुपरवाइजर की ड्यूटी है कि वो जो मशीन मैन है उसको मुकम्मल उसके ऊपर ग्रेप होनी चाहिए अब इसका जो लास्ट आस्पेक्ट है डी स्टूडेंट्स इसमें मटीरियल हैंडलिंग ऑपरेटर एक मटीरियल हैंडलिंग ऑपरेटर हर बंदे की ट्रेनिंग मुख्तलफ है ये चीज़ याद रखनी है हर बंदे की ट्रेनिंग उसकी जॉब के एस के मुताबिक होती है हर बंदे की ट्रेनिंग उसकी जॉब की जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब रिक्वायरमेंट जॉब डिस्क्रिप्शन इसके मुताबिक होती है अगर आप उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो ट्रेनिंग यूजलेस है और एक और चीज़ ट्रेनिंग की वजह से डेवलपमेंट अगर नहीं तो वो ट्रेनिंग भी यूजलेस है ट्रेनिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट आनी चाहिए और बेहतरी आनी चाहिए मशीन्स एंड रिपेयर आपके जो मकैनिक्स हैं बेसिकली मशीन्स को ऑपरेट करते हैं मकैनिक्स मशीन को मकैनिक्स ने ऑपरेट करना है और रिपेयर करने वाले को रिपेयर हम बोलते हैं मकैनिक्स और रिपेयर जितने ज़्यादा वेल well ट्रेंड होंगे उतनी ही आउटपुट आपकी बेहतर होगी पेंटर्स रिगर्स एंड रोस्ट बोस्ट स्टेशनरी इंजीनियर्स वेल्डर्स आपको मालूम है कि सबसे बॉटम पे वेल्डर है कि जिस बंदे ने किसी चीज़ को वेल्डिंग करनी है उससे ग्रेजुअली हम ऊपर जा रहे हैं अल्टीमेटली इस सारी स्लाइड का डे स्टूडेंट्स हमारा एक मकसद है और वो ये मकसद है कि आदमी चाहे लो लेवल पे जॉब कर रहा है मिडिल लेवल पे टॉप लेवल पे उसने तमाम काम एस के मुताबिक करने हैं अगर उसको नहीं आते नो प्रॉब्लम no वो सीखेगा लर्न करेगा और कंटिन्यूस लर्न करने के अमल को ही हम ट्रेनिंग बोलते हैं जब वो ट्रेनिंग ले लेगा ले एस को फॉलो करेगा ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिज़ल्ट हैं उनको अचीव कर लेगा